तो फिर देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मस्त टेस्टी रायता, मस्त और टेस्टी रायता बनाने जा रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ गए हम पुदीना के पास और अब पुदीना को हम तोड़ लेते हैं इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों, पुदीना को हम तोड़ लेते हैं। इतना प्यारा प्यारा पुदीना है, एकदम हरा। तो देखिए दोस्तों, पुदीना को हमने तोड़ लिया है और अब चलते हैं हम मिर्ची के पास। तो फिर चलिए दोस्तों, अब मिर्ची को तोड़ लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से हम मिर्ची को भी तोड़ लेते हैं, हरी मिर्ची को। इस तरह से हम हरी मिर्ची को तोड़ लेते हैं क्योंकि आज बहुत ही टेस्टी रायता बनने वाला है दोस्तों। आप लोग देखिए और रायते को खाइए हमारे यहाँ। तो फिर चलिए दोस्तों, अब चलते हैं धनिया तोड़ने के लिए। तो फिर देखिए दोस्तों, आप तोड़ लेते हैं धनिया को, क्योंकि धनिया, हरी धनिया को हम तोड़ लेते हैं इस तरह से। देखिए अपने हाथों से इस तरह से। ताजी ताजी हरी धनिया, बिल्कुल खेतों से निकाली हुई ताजी धनिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से हम हरी धनिया को तोड़ लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगा है नीम कड़ी का पेड़, तो हम नीम कड़ी के पेड़ के पत्ते को भी तोड़ लेते हैं इस तरह से। और हम इसका लगाएंगे तड़का, क्योंकि नीम कड़ी के पत्तों का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है रायते में, तो इसलिए हम नीम कड़ी के पत्तों को भी हमने तोड़ लिया है। और अब चलते हैं घर पर। चलिए दोस्तों, चलते हैं घर। तो अब चलते हैं अपने घर। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का दिया लिया है हमने। मिट्टी के दिया को हम चूल्हे में रख देते हैं आग में, इस तरह से ये लाल हो जाए, फिर इसका लगाएंगे हम तड़का। पूरा काम हम देसी तरीका से कर रहे हैं दोस्तों। देखिए आग को जला दिया है हमने, दिया को गर्म होने के लिए। देखिए दोस्तों, अब हम सबको धो लेते हैं एक साथ पानी से, इस तरह से साफ कर लेते हैं। पुदीना को हमने ले लिया है, आप लोग देखिए पुदीना, हरी मिर्ची को भी रख दिया है। और दोस्तों देखिए लाल मिर्ची, तो लाल मिर्ची को भी हमने इसी पर रख दिया है सिल्वर। हरा धनिया को भी हमने ले लिया है। और अब लेते हैं नमक, तो खड़ा वाला नमक लिया है हमने। सबसे पहले यहाँ लिया है काला नमक। तो फिर देखिए दोस्तों, काले नमक को ले लिया है हमने, खड़ा नमक। तो फिर अब सबको एक साथ पीस लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों,
मसाले को हमने पीस लिया है रायते में डालने के लिए। अब इस तरह से हम कटोरी में रख लेते हैं। दोस्तों कटोरी में हम रख लेते हैं इस तरह से। तो मसाले को हमने कटोरी में रख लिया है, देख रही है आप लोग। तो फिर देखिए दोस्तों हम रायता बनाने जा रहे हैं। अब डिब्बे का ढक्कन खोल लेते हैं। डिब्बे का ढक्कन हमने, और अब इसमें डालने जा रहे हैं हम बूंदी। तो सबसे पहले बूंदी को हम इस तरह से डाल देते हैं, देखो हमने डाल दिया है। और अब डालेंगे जो चटनी हमने बनाई हुई थी। देखिए दोस्तों जो हमने चटनी बनाई हुई थी, अब उस चटनी को डालने जा रहे हैं इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों चटनी को भी हमने डाल दिया है। और अब डाल रहे हैं हरी धनिया। हरी धनिया को हम इस तरह से काट कर डाल देते हैं। हरी धनिया को काट कर हमने डाल दिया। और अब डालते हैं पुदीना को काट कर। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम पुदीना को भी काट कर हम डाल देते हैं। तो पुदीना को भी हमने काट कर डाल दिया है। और अब डालते हैं हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाल देते हैं। बारीक हरी मिर्ची, एक और मिर्ची को काट कर डाल देते हैं इसी तरह से। अब प्लेट की ढक्कन में निकाल लेते हैं हम खड़ा वाला धनिया। तो फिर देखिए दोस्तों खड़ा वाला हमने धनिया, और थोड़ी सरसों, तो फिर देखिए हरी सरसों भी ले ली है हमने इस तरह से। और जीरे, तो थोड़े हमने जीरे भी ले लिए हैं। और थोड़ी सी सौंफ, इनका लगाएंगे हम तड़का। फिर देखिए दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट तड़का लगने वाला है हमारा। और अब हम देखते हैं दिए को। तो देखिए दोस्तों दिया भी हमारा लाल हो चुका है। तो फिर देखिए दोस्तों अब निकालते हैं हम दिए को। इस तरह से दिए को निकाल लिया है हमने। और अब डाल देते हैं तेल को। तो तेल को हमने डाल दिया है, और जो हमने मसाले बनाए हुए थे सरसों राई जीरे का, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब आग को लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों आग भी हमारी लग चुकी है। तो फिर दोस्तों देखिए तड़का लग चुका है हमारा। और आप लोगों को दिखाते हैं प्लेट उठा के कि तड़का कैसा लगा है। और अब इस तरह से चम्मच से हम चला देते हैं। देखिए दोस्तों आज हमने बनाया है रायता बूंदी का टेस्टी, और मसाले के साथ, सारी मसालों के साथ, हरी धनिया, पुदीना और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक, काला नमक, सफेद नमक, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी बना है आज का रायता। तो फिर देखिए दोस्तों यह है रायता, कितना प्यारा प्यारा रायता बनकर तैयार हो गया है। हमारा तो मन कर रहा है कि मैं यहाँ फटाफट खा लूँ। तो आज हम खाएंगे रायते को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। रायते को बहुत ही मेहनत से बनाया है हमने, इतना टेस्टी रहा था। तो प्लीज़ एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें लिख के बताएं कि हमने किस तरह से बनाया है, और हम किस तरह से अगला वीडियो या अगली बार हम रायता बनाएं तो किस तरह से बनाएं। इसलिए आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।